हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप बढ़िया हो सारे, एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जिंदगी डाउन अंडर व्लॉग्स एपिसोड टू फ्रॉम होबार्ट तस्मानिया। ओके, दिन हो चुका है एंड द परफेक्ट वेदर येट अगेन, एंड क्रू अपना रेडी है जी। ओ देखो, अपकमिंग व्लॉगर है जी, तेजपति नाम है चैनल का, मिसेस मोनिका सिंघा, एंड या यू लुकिंग नाइस एक्चुअली। तो हम आज एक फार्म पे जा रहे हैं, लेवेंडर फार्म। सो आई थॉट, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी, सबने क्लिक करी है, इट्स अ ब्यूटीफुल फार्म। तो मैंने सोचा मैं आज थोड़ा सा अपना वेस्टर्न, जो पुराने टाइम का वैसा सा लुक दे दूँ। सो या, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। थोड़े स्वेटर चेक लो, ठंड भी हो सकती है। नहीं, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी। चलो जी, एंड गाइस दैट्स द व्यू फॉर टुडे। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, लाइक ऐसा लग रहा था कि आप कहीं और ही आ गए हो। एंड मोनिका के लिए लाइक इट्स समथिंग लाइक व्हाट शी हैज सीन व्हाइल ग्रोइंग अप इन शिमला संजौली। सो उसके लिए वो कह रही थी बस अगर आप पानी डिलीट कर दो तो ऐसा लग रहा है जैसे संजौली है। एंड वी आर हेडिंग टू अ प्लेस कॉल्ड लैवेंडर फार्म, सो इट्स अप इन लॉन्सेस्टन। यहाँ से कुछ तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है, एंड क्रू अपना रेडी है, सामान समून पैक है जी, एंड चलो जी चलें, एंड आपको भी लेके चलें। Help you get together when you're feeling alone, make you feel happy, remind you of home, make you want to get up, get out and go look at what. So guys, we are on our way to Lavender Farms. So Garima, she said like hum galat season mein aa gaye hain, because aap ye jo natural beauty main abhi aapko dikhaunga, it's yellowish at the moment, but Garima ka kehna hai ki ye red hoti hai. Oh, red, green green hoti hai. Sorry guys, mere ko na raat ka sir dard ho raha bahut zyada severe, to ye green hoti hai ji, ye apna abhi yellow hai, ab keh lo ki patte putte sad gaye, basically wo ganje ho gaye hain abhi, wo dhoop mein wo sad gaye hain sab, but jab winters aati hain to wo bhai matlab winters aati hain to wo aur khilta hai, sab kuch hota hai, to wo green rehta hai, abhi wo ganje pahad ho chuke hain, abhi wo jal gaye hain। सो गाइज, वी जस्ट मेड अ स्टॉप ओवर, बड़ी थकावट हो गई थी, एंड इनफैक्ट मैं तो गाड़ी में सो भी गया, एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने खराटा मारा तो शर्मो शर्मी पानी पानी होके मैं उठ गया। एंड गरिमा जस्ट एडवाइज दैट आई शुड गो एंड चेक आउट द बुक स्टोर जहाँ से हमने कॉफ़ी ली है। तो यहाँ पे मैंने मेजोरिटी ऑफ कैफेज जो देखे, मतलब लोगों को पढ़ने का बहुत शौक हो तो बुक्स सॉर्ट ऑफ अ लाइब्रेरी कह लो या कुछ कह लो, साथ में कॉफ़ी वगैरह होती है। कॉफ़ी पीने का तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब दे हैव टू स्टार्ट देयर मॉर्निंग विद कॉफ़ी, मतलब इट्स आम। आप सिटी में देखोगे दे स्टार्टेड देयर, कह लो कि अपना काम स्टार्ट करने से पहले दे हैव अ हैबिट, चलो एक कॉफ़ी ग्रैब करते हैं, आफ्टर दैट लेट्स गो टू वर्क। मुझे बोला गया कि मतलब आई शुड गो, मतलब किताबें पढ़नी चाहिए, मतलब बट आई एम नॉट दैट पर्सन लाइक हूज़ इनटू बुक्स, बट मे बी वन डे आई विल गेट इनटू, or maybe one day I'll get used to reading books, but guys just check this cafe out. ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले जेल थी, एंड वो थोड़े से वो कह लो थोड़ा सा ओपन एरिया फॉर कैदीज, पूरी जेल टाइप लग रहा है। कितनी किताबें पढ़ चुके हो? 250-300 तो हमारे साथ ऐसे बच्चे भी हैं जो 250-300 किताबें पढ़ चुके हैं, सानू तो एक किताब खोलते सब सूख जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो एक भी नहीं पढ़ पाए। हाँ। जब ये हमारी मम्मियों की उम्र की हो जाएगी तो वो लाइब्रेरी खोलेंगे अपनी खुद की, अपनी लाइब्रेरी तो हम प्राइवेट। ये आपका ड्रीम है? ड्रीम नहीं, शौक है। ओके, सो देखो जी, बुक लेके आई है ये, इट्स कॉल्ड द स्मॉल बुक ऑफ ग्रेव ह्यूमर। तो कुछ लगता है कि है कुछ मजाक मजोक इसमें, मुझे बताना कुछ। If there is some, this book is a perfect definition of जो दिखता है वो बिकता है। Akriti just bought this book because of the actual shape of this book, and this book is all about कौन कब मरा था, and आहो, and we don't even know these individuals। हाँ, और इसमें तो लिखा भी है कि अपना एक बंदा मरे थे 249 साल था, झूठी। आ देखो, Mary, the wife of Joseph of lizard common within the parish,
was buried aged 127 साल. She walked to London just after the fire in 1666. Was hearty and strong at 120. हाँ ये खत्म नहीं हुई. And she married a third husband at the age of 92. 92 साल की उम्र चीने व्याह कराया सी तीजा. जस्ट रीच्ड लैवेंडर फार्म्स. तो एडल्ट की $20 की टिकट है यहाँ पे. एंड वी हैव गॉट ब्यूटीफुल लेडी स्टैंडिंग हियर गिविंग अस टिकट्स. वी आर सिक्स सो आई नीड $120. दैट्स फाइन. एंड डिस्काउंट बिकॉज आई हैव जस्ट प्रेज्ड यू. नो डिस्काउंट. They will still be up, but you do have a discount when you buy any product in our gift shop. Just present your ticket and you'll be able to get a 10% discount. Okay. Make you brave, say what you wanna say. Oh, it's got me feeling everything's okay. Look at what love can do. Okay, so guys, I'm on to get Lavender Farm in Tasmania. So your Launceston mayor and. सो नॉर्मली लाइक ये जो आप पीछे पूरी बेल्ट देख रहे हैं सो इट इज़ पर्पल बट अभी इट्स लाइटिश पर्पल बिकॉज जो इसका सीजन आई गेस लाइक इट्स बिट ऑफ सीजन एट द मोमेंट बट अगर आप एक दो हफ्ते पहले की फोटोज देखेंगे इट वॉज टोटली पर्पल लाइक दिस ब्यूटी. अगर काश मेरी आंखें ये ब्यूटी देख पाती और रेजिस्ट कर पाती तो मैं कुछ बोलने लायक होती. अब ये सूखे हुए फूलों के बारे में मैं क्या बोलूँ. सीरियसली कलोल होगी. और यहाँ की थीम भी पर्पल है. कोई गल नहीं, असी पर्पल फुल नहीं देखे बट आप पर्पल आइसक्रीम तक आ सकते हैं. लेट्स एंजॉय इट. कोई पुराने ज़माने की वैन खड़ी हुई है. काफ़ी पुरानी रजिस्ट्रेशन लग रही है. नाउ वी गोइंग फॉर द टूर. टूर 4 बजे स्टार्ट होगा. 2 मिनट रह गए हैं. एंड इन टूर दे एक्सप्लेन लाइक व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड इट और ये लोग क्या करते हैं लैवेंडर से. कहते कोई डैम भी है यहाँ पे एंड आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली बट लेट्स गो एंड चेक आउट. All right, so looks like everybody they've gathered up on this place for the tour. So let's see what this tour is all about. So guys, what basically happened, hum tour lene gaye the and we ended up sitting there for like 10-15 minutes, kuch nahi hua. So we thought of chalo apna khud hi dhoond lete hain, khud hi let's explore this valley and see what this valley has to offer. Ina te Meena. We've got two official guides there, Ina and Meena. Ina and Meena. ठीक है. हाँ. Ina. Ina. Ina and Meena are taking us to the tour. And Bunny said कि उसके आज बचपन के photography skills बाहर आ गए हैं. And he wants to capture some beautiful pictures. So he started with Ina and Meena. Oh wow. So. अच्छा ये थी वो गाइड्स हैं इना एंड मीना. दे बीन ट्रेंड कि जैसे कोई आए तो आप आगे आगे चलिए एंड हाँ हम इनके पीछे चलेंगे. चलो जी इना मीना देख ले जी दोबारा कुछ दसो भी प्लीज. सो इना मीना दे आर सेइंग कि यार देखो साड़ा सिर ना खाओ. वैसे ही साढ़े पूरे टब्बर में लोग खा चुके हैं. सो यस वी आर फॉलोइंग यू इना मीना. ओके खब्बे ला लो इना मीना. सो लुक्स लाइक दे अंडरस्टैंड पंजाबी. तो इना मीना ने खब्बे ले लिया. ठीक है हम खुद ही अपने आप को टूर दे रहे हैं लैवेंडर फार्म्स का. एंड ओ दिस लुक्स ब्यूटीफुल. एक्चुअली काफ़ी बड़ा पेड़ है. ब्रांचेज हैं. इट हैज़ कवर्ड अ वाइड एरिया. काफ़ी वाइड एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है. ओ सिंगा साहब हाँ जी क्या कहना है आपका लैवेंडर फार्म के बारे में. मैं ऑलरेडी 3-4 बार पहले बता चुकी हूँ कि मैं इतनी मेसमराइज हो गई हूँ ये ब्यूटी देख के कि मेरे को ऐसे फील हो रहा है कि बाकी अभी तक जो देखा हमने वो कुछ नहीं था इसके आगे. गरिमा Are you mesmerized with this beauty? Absolutely, absolutely, mate. The inna accent kyun kadya load bhi nahi si. Sare visitors, specially guides se tour le rahe hain aur idhar hamare visitors dekh lo ji. Teen idhar hain ji. Ek oh dur, oh kithe dur tuhanu dikh rahe hona. Akriti utthe pahunchi hai. I am standing on this side and Bunny
भाई कह रहा आज मेरे हाथ में कैमरा लग गया, तो जेड़ा कोई पत्ता, जेड़ा पत्थर, जेड़ी कोई मिट्टी दिख रही है सारे की फोटो खिंचूंगा मैं। तो कहता बस मैंने रोकियो ना। ओके सो देयर इज अनदर ट्री हियर, लाइक जस्ट लुक हाउ डेंस दिस ट्री इज लुकिंग। एंड बेस्ट थिंग इज कि इसके जो ब्रांचेस हैं लाइक ऑलमोस्ट टचिंग द ग्राउंड, द ब्रांचेस हार्ड टू से लाइक, ओ बाहर से तो ऐसे बुश लग रही थी। बट इफ यू आर कमिंग गाइज, आई वुड हाईली रिकमेंड कि मे बी जस्ट कॉल अप द अथॉरिटीज ओवर हियर एंड जस्ट चेक विद देम कि जो सीजन है इज इट ऑन द पीक, ताकि यू वोंट गेट टू सी व्हाट वी आर सीइंग एट द मोमेंट। ऑल्दो लाइक इट लुक्स ब्यूटीफुल एज वेल, बट अगर ये एक्चुअल पीक सीजन होता सो वुड हैव लुक्ड लाइक मोर ब्यूटीफुल, जैसे मैंने आपको अभी फोटोज में दिखाया। आप इनको देखो गरिमा, उस साइड देखो। ओह शिट, सिर नीचे करके गरिमा। ये कैसा लग रहा है, मुझे वो शादी आसमानी का फोटोग्राफर है। Okay, so finally we are back at this beautiful place. Din was absolutely tiring. We drove more than like 600 kilometers, and everyone at one point they were like, "Yar, wapis hi chalo, yar kithe aake phasata." Like it's best to come back to the place where we are living. Wahan pe thoda time spend kiya jaye, just in front of this view, what is at my back. And bus, filhal ab yehi plan hai ki we'll just sit here. That is it. Khana, peena, kuch nahi pata. But we're just gonna sit here for long. And just talk and spend some quality time. Dinner अपने एक friend है यहाँ पे, तो अपना जैसे like okay दाल मखनी chicken chicken बन चुके हैं, हंसी लेके आ रहे हैं जी। मैं कहा आज जी please आओ जी, अच्छा लगता है मतलब when you go out and you get to meet your friends after long time get togethers, क्योंकि सब अपनी life में busy हैं and when you meet together have some good chats it's absolutely amazing, like building some good memories. अगले दिन सवेरे 2 बजे तक अपने कोर भाजी आए नाल, ते ऑल थैंक्स टू हर, इन्होंने चिकन बहुत स्वाद बनाया, चिकन बहुत स्वाद बनाया जी। बैठो यार, क्यों शर्मा रहे हो यार, प्लीज अपना ही घर समझो, प्लीज बैठो बैठो बैठो। प्रॉब्लम यही होती है जब घर में ज़्यादा लोग हो जाएं, एक दूसरे को पुश करने लगते हैं, बैठो 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 बैठो, तो फाइनली बह गए जी, फाइनली बह गए। और फाइनली अपना डिनर का टाइम होगा जी, कल देखते हैं व्हाट टुमारो हैज़ टू ऑफर अस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड कीप सब्सक्राइबिंग अपने चैनल को जिंदगी डाउन अंडर व्लॉग्स। हम आपसे मिलते हैं कल को, थैंक यू सो मच। थोड़ा कुछ खा लिया।